Assalamualaikum and a very good evening everyone. Lahore News की special transmission cricket जुनून के साथ आपकी host आयशा शकूर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है. जनाब, let's talk about match number 26 of PSL season 8. Lahore Qalandars versus Islamabad United and defending champions once again proved themselves that they are the best. They have best bowling lineup. पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स की टीम ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 226 रन का टारगेट दिया. हदफ का ताकुब करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स के सामने काफ़ी बेबस नजर आई और इस तरह से लाहौर कलंदर्स ने 10 में से 9-7 मैचेस जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पर 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम बनाई हुई है. What went wrong with Islamabad United? ये हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ जनाब आज का मैच हमें देखने को मिलेगा मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पिशावर जल्मी. क्या सिचुएशन रहने वाली है ये भी जानेंगे. तो जनाब इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट द डायनेमिक अब्दुलरहमान साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं रहमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. रहमान साहब, कल के मैच पर बात कर लेते हैं. बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थे लेकिन इस्लामाबाद के बैट्समैन काफी बेबस नजर आए हमें. देखिए, हम रोज बात करते हैं क्रिकेट हमें अच्छी देखने को मिलेगी लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने बैटिंग में पैनिक भी हो गए थे. लेकिन लाहौर को जहाँ जहाँ चांस मिला, लेकिन कल फखर का दिन था. Exactly. आप देखें कि जब एक दिन आता है तो फिर आप इतने बड़े प्लेयर्स की अगर एक आधे कैच छोड़ेंगे तो फिर वो सो ही करेगा. फिर क्योंकि फखर जैसा प्लेयर, देखें उसने क्या शॉट्स खेले हैं कल चारों तरफ. उतने शदाब को किसी को भी बॉलिंग नहीं करने दी. जब जिस ओवर में आया उसने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा है, अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस को लेता गया. और सबसे अच्छी बात कि जब आपका पार्टनर आउट हो जाता है जो फॉर्म में है, पहले ओवर में आउट होता है दूसरी तीसरी गेंद पे, फिर उसके बाद उस मोमेंटम को आप अकेले लेके चलते. फिर उसके साथ कामरान गुलाम ने उसका बहुत अच्छा साथ दिया जो आके पिच पे उसके साथ पार्टनरशिप लगाई. अगर वहाँ एक आधी विकेट गिरती या कैच पकड़ लेते तो फिर इतने बड़े रन्स भी नहीं होने थे. लेकिन ये है कि जब आपको रन्स हो रहे होते हैं तो फिर मुझे कल लगा कि इस्लामाबाद की टीम फील्डिंग में पैनिक थी क्योंकि जब कैचेज इनसे छूटे फिर उसके बाद उन्होंने वैसी बॉलिंग भी वहाँ डिलीवर नहीं किया कि जैसा होना चाहिए. ऐसा लग रहा था कि दिल छोड़ गए हुए, खुद ही कोशिश करें कि 20 ओवर किसी तरीके खत्म हो जाएं, हमारी बैटिंग आए तो हम बाहर जाएं. लेकिन द थिंग इज आगे आपके बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, प्ले ऑफ आपने खेलना है. तो अगर ऐसे क्रिकेट खेलेंगे तो खुद पे प्रेशर है. अपोजिशन पे तो वो तो जीत के लिए आए हुए हैं लेकिन आप खुद पे इतना प्रेशर डाल लेंगे तो फिर अगली गेम्स में आपको बड़ा मुश्किल होता है इन चीजों पे. लेकिन फखर को क्रेडिट जाता है क्योंकि लाहौर की कामयाबी के पीछे उसका ये बहुत बड़ा हाथ है. एक सौ करना अपनी टीम को जितवाने के लिए, 20 ओवर खड़े रहना और साथ साथ दूसरों को भी खिलाते रहना, तो विच इज वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान इज वेल के पाकिस्तान को भी अवेलेबल है और उसकी इंजरीज भी वापस हैं. और ऐसी फॉर्म के पाकिस्तान के 2-3 जो करंट प्लेयर हैं तीनों ने 100 बनाए, बाबर, रिजवान, फखर. और ये अच्छी बात है कि हमारे ब्रांड में हमारे प्लेयर्स फ्रंट फुट पर हैं. बिल्कुल जी. कल फखर की हम बात कर रहे थे, 3 मौके उनको कल मिले लेकिन मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी, वो यही कह रहे थे रहमान साहब के जब पहला कैच ड्रॉप हुआ तो मुझे पता चल गया था कि आज मेरा दिन है और आज मैंने स्कोर करना है. यही मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर का दिन होता है कि जब उसका स्टेट पे कैच छूट गया, वो भी सेकंड थर्ड ओवर था, तो फिर थॉट करता है प्लेयर के यार आज कुछ अल्लाह ने मेरे लिए इज्जत रखी हुई है कि इतना सीधा कैच छूट गया. तो ये अल्लाह देता है इज्जत कि जब टाइम होता है आपका, सम टाइम आप बॉल में स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं तो वैसा नहीं होता. तो जब अल्लाह नवाजने पे आता है तो ऐसे मौके पे नवाजता है कि आपकी सारी पिछली चीजें खत्म हो जाती है और ये परफॉर्मेंसेस सामने आती है. और कैच छूटने के बाद कुछ प्लेयर्स लापरवाह हो जाते हैं या अपनी इनिंग्स को उस तरह बिल्ड नहीं करते. लेकिन उसने क्या किया कि चांसेस मिलने के बाद भी वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करता गया. और 20 ओवर मेरा ख्याल है काफी अरसे के बाद उसको देखा क्रीज पे 20 ओवर. अदरवाइज 10 ओवर 12 ओवर के अंदर वो अपना फाइवर करके चला गया होता है. और एक ही प्लेयर ने हाफ स्कोर भी कल किया है उन्होंने. एग्जैक्टली. और जब पहले 2 कैचेस ड्रॉप हुए, थर्ड जो उनका था LBW भी हो गया था, फिर रिव्यू लिया, वो भी नो डाउट था, तो डेफिनेटली उनके फेवर में ही था. उसी के साथ साथ कामरान गुलाम ने भी कल अच्छा चिप इन किया था. देखिए, ये वो प्लेयर्स हैं कि जिनकी 2-3 गेम्स में बारी भी नहीं आई क्योंकि ओपनर्स अब्दुल्ला शफी को ये काफी खेल गए, फिर डेविड वीजे आ गए बीच में और सिकंदर आ गए, तो फिर इनको उस तरह बारी नहीं मिली. लेकिन जब मौका मिला है तो जब उन्होंने बताया कि मैं भी हूँ, तो जिस प्लेयर को इतना टाइम मिल जाए पिच के ऊपर, कल उसने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है जिसमें सिंगल्स नहीं थी, उसको जहाँ मौका मिला है उसने बाउंड्रीज भी की है, उसकी वजह से ही इतना रेज हुआ स्कोर बोर्ड. अगर एक एंड से होता तो फिर शायद इतना ना बनता, अकेले फखर पे होता.
लेकिन उसने भी स्कोर बोर्ड चलाया, स्ट्राइक रोटेट की है, जहां मौका मिला दो दो छक्के भी एक ओवर में मारे, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है एक टीम के लिए कि जिसके पास हर मौके पे उस सिचुएशन का प्लेयर मौजूद है। तो लाहौर की टीम में अभी ये चीज है कि उनके 8-9 नंबर तक बैट्समैन है, लेकिन जिस नंबर पे जिसको भेजा जाता है वो उसी जिम्मेदारी से खेलता है। ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है, एक टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। एग्जैक्टली जी, नो डाउट से। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी 8-9 नंबर तक बैट्समैन है, तो कल वो क्यों बेबस नजर आए? इसलिए कि वो पैनिक थे। एक आजम को भी बॉल लग गया, वो अनफिट हो गए थे। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू के एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, आप 15-5 ओवर पड़े हैं आपकी टीम आउट हो गई, आउट हो चुकी है। तो आप देखें कि 20 ओवर खेलने मुश्किल हो रहे थे, लेकिन क्योंकि आप पैनिक थे, आप कोशिश कर रहे थे कि हर ओवर में 20 रन बना। एग्जैक्टली, क्योंकि जो पीछे क्रिकेट हुई है या उन्होंने उस इनिंग में भी देखा है कि हर बॉल इजी हिट हो रहा है, लेकिन आपको इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है। जब आपकी विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर 2-3 प्लेयर्स को चाहिए कि वो, कोई मसला नहीं है, डॉट बॉल्स भी खेल लेंगे अगर 2-3, तो डजंट मैटर। आपको पता है कि अगले 3 बॉल में 3 छक्के भी मार सकता हूं, तो मेरे लिए डॉट बॉल इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी मेरी टीम को जरूरत है, मुझे पिच पे स्टे करना चाहिए। Exactly. और जितना लंबा लेके जाऊंगा टिल एंड मेरे पास नो, देखे हसन ने भी कल अच्छा नॉकडाउन किया। बिल्कुल, अगर उसकी लास्ट मूवमेंट पे बारी आती तो यही जितनी बाउंड्रीज की है मैच जीतवा सकता था। Bilkul. लेकिन उसके पास इतना वो बैटिंग टाइम ही बहुत है, कितने के छक्के मार, क्योंकि बैट्समैन का मौका ही है। आप 5 ओवर पीछे कोशिश करें, ये भी होता है कि आपकी एवरेजेस का भी बहुत फर्क पड़ता है अंदर। आपने, मैंने आपको हमेशा कहा है कि कैप्टनसी इज द, यही मोमेंट होती है कि जब आप पैनिक है उस मौके पे किस तरह की कैप्टनसी कर रहे हैं। अच्छी मूवमेंट में तो हर कोई सही जा रहा है, बैटिंग कोई अच्छी कर रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, आप कंफर्टेबल जोन में। लेकिन ये टाइम होता है जब आपकी टीम को आपके प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होती है, आपका माइंड चल रहा होता है कि इस मौके पे यार एवरेज ना गिरने दो, डजंट मैटर हम स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन 20 ओवर खेलो, जितना मैक्सिमम बना सकते हो बनाओ, क्योंकि आगे पीछे कोई भी टीम जंप कर सकती है कि हम एवरेज से बाहर, एवरेज से बाहर। ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए ज़हन के अंदर। बिल्कुल जी, और टफ टाइम्स में ही डिसीजन जो होती है, डिसीजन मेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ जनाब आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, द मोस्ट रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय डॉलिंस। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय फखर जमान, 8 छक्के और 8 चौकों की शानदार इनिंग्स खेली है कल उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, उनके सक्सेस भी देखते हैं, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कोक। जी रहमान साहब, PSL के हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफीट मार्जिन भी कल रहा है। पिछला मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड 110 रन से हार गए थे और कल वाला भी 119 से, तो क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ पर जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? ऑब्वियसली जो लाहौर की टीम है, क्योंकि बैटिंग में भी उन्होंने उनको बैकफुट कर दिया, बॉलिंग में भी उन्होंने ऐसा कर दिया। कल भी हमने ये बात की थी कि स्पिनर्स का रोल बहुत की होता है। लाहौर की देखे फास्ट बॉलिंग जरूर अच्छी करती है, लेकिन सबसे जो की रोल अदा कर रहे हैं पिछले 2-3 मैचों में वो राशिद है। वो टीम की कमर तोड़ देते हैं आपके, उनके जो मेन की प्लेयर है। देखे 4 ओवर में 15 रन देना, 4 आउट, 3 आउट करना, 4 ओवर में 20-25 रन देके 4 आउट करना, 2 मैचों में 7 आउट कर देना, मतलब एक टीम को लिटा देना। तो ये ऐसे स्पिनर्स हमारे दूसरी टीम्स में मिसिंग है, यही फर्क डालिए लाहौर। फास्ट बॉलिंग का लैदर प्रेशर है, स्पिनर्स का लैदर प्रेशर है, लेकिन उनका एनर्जी लेवल ऐसा है कि चाहे मैच नीचे लगा हो, चाहे वो जीत रहे हो, उनका, उनकी इंटेंसिटी एक ही है, उनका फोकस एक ही है कि हमने 20 ओवर अच्छे खेलने, चाहे फील्डिंग है, चाहे बैटिंग है, कुछ भी है। इसलिए उनकी कामयाबी का राज ये भी है कि वो टीम को देखे किस तरह लेके चल रहे हैं। कैप्टनसी का बहुत रोल होता है कि जब आप पैनिक होते हैं तो टीम को कैसे जेल करते हैं, अच्छा माहौल है आप टीम को कैसे रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर ज़रूर करती हैं। तो ये एक अच्छी कैप्टनसी भी थी, और जिसके पास इतने ज़्यादा प्लेयर्स किसी भी जगह किसी भी मौके पे आप आजमा सकते हैं, तो वो एक अच्छे कैप्टन के लिए बहुत अच्छा टीम वर्क होता है कि यार अगर स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी मेरे पास ये बहुत अच्छा है, फास्ट बॉलर की पड़ेगी ये दो मेरे पास बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन दो, इन सब के अंदर जो सबसे अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं वो जमान। बिल्कुल, ये सारा प्रेशर एक बॉलर क्रिएट कर रहा है, हारिस और इस दोनों के बावजूद ये तीसरा बॉलर अगर इनका वहां पे 4 ओवर में 40 या 50 खाएगा तो फिर ये लाहौर के हारने के चांस बन सकते हैं। लेकिन ये ऐसा बॉलर है कि जो आपको विकेट भी लेके दे रहा है और अंडर प्रेशर भी कर रहा है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि एक कप्तान के पास 6-7 बॉलर भी मौजूद है, 6-7 बैट्समैन भी मौजूद है, तो फिर कौन सी चीज है जिसमें आपने फोकस होना, एक फील्डिंग रहती है। तो फील्डिंग भी उनके जितने भी ये प्लेयर्स हैं, ऐसे प्रोफेशनल फील्डर भी अच्छे हैं कि इनकी थ्रोइंग, इनकी कैचिंग मच बेटर देन
दूसरी टीम से इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी जा रही है। बिल्कुल जी, अब बात कर लेते हैं कुछ राशिद खान की। कल भी उन्होंने 4 विकेट्स लिए एंड ही जस्ट गेव 21 रन्स, तो मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड भी हैं। और जिस तरह से वो विकेट लेकर अपनी विन को एंजॉय करते हैं ना रहमान साहब, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और ऐसा है कि वो जो आउट होता है, एक तो उसको वैसे ही गुस्सा होता है, जब अपनी वो करता है उसको, तो उसके बाद और गुस्सा और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपका प्रेशर हमेशा रहता है, वो अपनी बॉलिंग को इतना एंजॉय करता है, उसको छक्का भी पड़े लेकिन नेक्स्ट बॉल उसका ऐसी जगह डिलीवर होता है कि बैट्समैन को जरूर टीज करता है। शादाब ने उसको जरूर एक बाउंड्री की, लेकिन वेरी नेक्स्ट बॉल देखे, उसने ऐसा ही बॉल किया लेकिन उसको रीड नहीं हुआ, लेकिन वो स्किट हुआ और बाउंस हुआ, लेकिन वो भी बाउंड्री के लिए गए। लेकिन ये चीज ऐसी है कि आपने गेम बनानी है। Exactly. आपने जरूरी एक बाउंड्री कर लिया, फिर आप सिंगल्स करें, नीचे खेलने की कोशिश करें। अब मैं मुझे इन चीजों का, आप उधर कितनी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इन चीजों को जरूर आपने ज़हन में रखना है, बीइंग ए कैप्टन भी, कि मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं खेल सकता हूँ और मैं अपनी टीम को ज्यादा लेकर अपनी टीम को भी ज्यादा लेकर चल सकता हूँ। बिल्कुल जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द मैच, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सॉल सिटी। PSL के मैचेस तो जोरों शोर से जारी हैं और हमें डेली बेसिस पर अच्छे से अच्छे डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। कल भी हमें 119 रन्स का बिगेस्ट डिफीट मार्जिन भी देखने को मिला। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में सिचुएशन कितनी इंटरेस्टिंग होती है और कितने रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ लेते हैं और नज़र डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर। लाहौर कैलेंडर्स की टीम ने 9 मैचेस खेले, आउट ऑफ विच दे वॉन 7 मैचेस और 14 पॉइंट्स के साथ इस वक्त टॉप नंबर पर मौजूद हैं, फॉलोड बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने 9 में से 6 मैचेस जीते और 12 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पर मौजूद हैं। मुल्तान सुल्तान्स और पिशावर जलमी दोनों के 8-8 पॉइंट्स हैं, बट विद अ बेटर रन रेट मुल्तान सुल्तान्स की टीम थर्ड नंबर पर मौजूद है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स अपना मैच जीते जिसके बाद उनकी कुछ अपडेट सिचुएशन हुई और 5th नंबर पर आए हैं वो। कराची किंग्स जो हैं वो इस सीजन में सबसे एंड पर मौजूद हैं, दे प्लेड 9 मैचेस आउट ऑफ विच दे जस्ट वॉन 2 मैचेस और 4 पॉइंट्स के साथ सबसे नीचे मौजूद हैं। रहमान साहब, थर्ड और फोर्थ टीम्स का आज मुकाबला होने वाला है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर जलमी, पॉइंट्स दोनों के सेम है, तो क्या लगता है आज सिचुएशन किस तरफ जाने वाली है? सिचुएशन पलड़ा भारी रहेगा, दोनों टीम फिर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन ये है कि अच्छी क्रिकेट के साथ इन दोनों मैचेस में मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी हमारे करंट प्लेयर है ना, और जितने भी ये कैप्टन बाबर आजम पाकिस्तान के, उधर रिजवान शदाब, लेकिन ये इनकी चीजें यही पता चलेंगी बड़े मैचेस में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हो चुका है इनको। ये कप्तानी पे बहुत मैटर करती है आपकी चीज़। जब आपकी टीम पैनिक होती है, उसको रन्स बनने होते हैं, तो फिर कप्तान का वही पता चलता है कि वो किसको ओवर देता है, कौन सी फील्ड प्लेस करता है, कैसे टीम को जेल करता है। ये ऐसी सिचुएशन अब पॉइंट्स टेबल में दोनों ऊपर है, दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन जो आगे क्वालिफाइंग राउंड्स हैं, फिर इन्होंने टाकरा होना इनका आपस में। लेकिन ये है कि ये क्रिकेट इसलिए बार बार कहता हूँ कि अच्छी देखने को मिलेगी, कि जो इन मैचेस में प्रेशर डालेगा वो आगे पलरा भारी करेगा क्वालिफाइंग राउंड्स में। जिन प्लेयर्स ने आज परफॉर्म करना है इनके अगेंस्ट, आगे मैचेस आएंगे वो उनका जिगरा बड़ा होगा, जिनसे परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर जितने भी बॉलर्स हैं वो थोड़े से बैकफुट जरूर होते हैं नेक्स्ट गेम्स के लिए, कि उस मैच में मुझे इस प्लेयर्स ने इधर खेला था, इधर खेला था, तो इस मैच में भी वो थोड़ा सा जेन में सोच के जरूर आता है। तो ये पॉजिटिव थॉट्स आने जरूरी है एज ए बीइंग ए प्रोफेशनल। तो इन दोनों टीमों के पास हर चीज मौजूद है, फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है, कह सकता हूँ सॉरी टू से कि हल्की नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट में कुछ ऐसी चीजें होती है। लेकिन अगर फास्ट बॉलिंग, पिशावर स्ट्रगल करती है हमेशा स्पिनर्स पे, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर पिछले कुछ 4-5 मैचेस में नए बॉल और पुराने बॉल दोनों पे अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको इतने रन्स बनते हैं। लेकिन उनके मिडल ओवर्स में भी कोई ऐसा स्पिनर नहीं है कि जो उनको साथ दे सके, कि जिस टीम में 4 ओवर स्पिनर अच्छे करेगा वो टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है। लाहौर के इसलिए है कि राशि ने 2-3 मैच में कंटिन्यूअसली ले रहे हैं और रन भी नहीं दे रहे, वो देखें कि वो कितना बड़ा डिफरेंस आता है कि आप जीत के पास जीते ही जीते। तो अगर आज के दिन में भी स्पिनर का बहुत रोल है, आप दिन ब दिन मैचेस होते जा रहे हैं, उस तरह की पिचेस आपको नहीं मिलेगी। आप पिचेस में थोड़ा सा टर्न आपको जरूर मिलेगा, ड्राइनेस भी होगी और आपको टर्न भी मिलेगा, लेकिन ये है कि जो अच्छी जगह बॉलिंग कराएगा उसके चांसेस, और मिस फील्डिंग हर टीम कर रही है। पिशावर ने भी पिछले मैच में बहुत मिस फील्डिंग्स की थी, लेकिन फील्डिंग में जो 20-25 रन बचाएगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। मजे डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द मैच, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। रहमान साहब, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर जलमी, किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है आज? मुल्तान सुल्तान।
मेरे ख्याल में कि मुल्तान सुल्तान के पास ऑप्शन ज्यादा है, उसके पास जितने भी उसके ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, उसके पास स्पिनर्स की भी एक दो ऑप्शन है, उसामा के साथ उसके पास खुशदिल भी है, तो किसी मौके पे भी अपनी चीज़ों को इम्प्रोवाइज कर सकता है क्योंकि इसका ऑप्शन ज़्यादा है। मेरे ख्याल में बाबर के पास लेस ऑप्शन है, एक ही स्पिनर, उसके अलावा उनके पास कोई ऐसा पार्ट टाइम स्पिनर भी नहीं है कि जिससे वो बॉलिंग करवा सके। तो लेकिन ये है कि टफ टाइम ज़रूर होगा, लेकिन जिसने भी अच्छी फील्डिंग की, लेकिन आज 200 से अंदर रन हो सकते हैं क्योंकि कल अगर कैचेज ना होते तो 226 रन नहीं बनते। इन्होंने लाहौर ने अच्छी फील्डिंग की, 107 पे आउट कर लिया। सेम एज इट इज़, आज जो अपने चांसेस को अवेल कर लेगा जल्दी, जो क्लेवर होगा, वो ये जरूरी नहीं है कि बैटिंग पिच है तो 200 ही हो या प्लस 200 प्लस होगा, तो जो अच्छी बॉलिंग कराएगा, अच्छी फील्डिंग करेगा, वो 170-180 में भी इसको रोक सकता है इन टीमों को। लेकिन बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, टारगेट क्या पता है आज भी ज्यादा अच्छा चला जाए, लेकिन अगेन वही आपकी बात, अगर स्पिनर्स होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो रन भी उधर ही हम रोक सकते हैं। लेकिन फील्डिंग बहुत जरूरी है कि जो टीम अच्छी फील्डिंग करती है वो आप एंड ऑफ टाइम 20 ओवर के बाद अगर उसको देखेंगे ना, 20 से 25 रन बचाए होते हैं, वही आप एंड पे जब आपका टोटल रेज हो रहा होता है उसमें जरूर फर्क उसमें जरूर हो जाता है। मजीद बातें तो करनी है लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है खत्म। मुझे अपनी होस्ट आयशा शुक्र को दीजिए इजाजत। विल कैच यू गाइस टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।